नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल MP बेसिक इन्फो पर। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आप जानते हैं कि आप ब्रह्मांड से बातें कर सकते हैं, उससे वह सब कुछ मांग सकते हैं जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। इस सिद्धांत के बारे में साक्षात शिव जी ने विज्ञान भैरव तंत्र में माँ पार्वती को यह सिद्धांत गुप्त तरीके से बताया है, जिससे मनुष्य कुछ भी पा सकता है। क्या आप जानते हैं हमारे ब्रह्मांड ने ही हमें रचा है और उसके पास वह शक्ति है जिससे वह हमारा जीवन बदल सकता है, बशर्ते कि हम अपने आसपास उस सकारात्मक ऊर्जा से घिरे हो जिससे हमारी हर बात ब्रह्मांड तक पहुंच सके। यदि एक बार आपने यह सीख लिया कि किस प्रकार ब्रह्मांड से अपना संपर्क स्थापित करना है और एक बार आपने ब्रह्मांड की शक्तियों को महसूस कर लिया, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। स्वयं को ब्रह्मांड से बात करने से अपने वर्तमान जीवन में आप जिन नए लोगों से मिलते हैं और नए अनुभवों को प्राप्त करते हैं, वह सभी आपके मन द्वारा आकर्षित की गई ऊर्जा के परिणाम स्वरूप होते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार आप ब्रह्मांड से संचार कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और हर वह चीज़ मांग सकते हैं जिनकी आप इच्छा रखते हैं। इस सिद्धांत के माध्यम से इंस्टेंट ही आप कुछ भी मांग सकते हैं और जीवन में सफल हो सकते हैं। ये सिद्धांत विज्ञान भैरव में भी शिव जी द्वारा माँ पार्वती को बताया गया है कि कैसे कोई भी मनुष्य अपनी इच्छा तुरंत पूरी करवा सकता है। ये सिद्धांत खुद शिव जी ने बताया है। इस सिद्धांत को चुनने का अर्थ है कि आप अपने भीतर की आंतरिक फ्रीक्वेंसी को बदलना चाहते हैं और किसी विशेष अनुभव को प्राप्त करने के लिए और जीवन में नए अवसरों को आकर्षित करने के लिए अलग तरीके से सोचना चाहते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? जब आप अपनी चेतना यानी कॉन्शियसनेस को बढ़ाकर और ऊर्जा का स्तर बढ़ाकर यूनिवर्स से बातें करते हैं, तो यहाँ आपके आसपास के वातावरण में वह रिफ्लेक्ट होता है, यानी इसका असर आपके आसपास देखने को मिलता है। इससे आपकी ऊर्जा नए प्रकार के अनुभव प्राप्त करने के लिए ब्रह्मांड से उन्हें आकर्षित करती है, क्योंकि हमें इस नियति ने रचा है। इसीलिए हमारे पास वह शक्ति है जिससे हम अपने जीवन में प्रकट होने वाली घटनाओं को स्वयं बना सकते हैं। आप अपनी प्रार्थना यूनिवर्स में भेज सकते हैं और उन्हें स्वयं तक वापस आता महसूस कर सकते हैं, बिल्कुल एक गूंजती आवाज की तरह। अगर आप इस शक्ति को समझना चाहते हैं या अपने जीवन में उन घटनाओं को प्रकट करना चाहते हैं जिनकी आप इच्छा रखते हैं, फिर चाहे वह कोई नया रिश्ता हो, नई जॉब हो, पैसा हो या फिर केवल शांति हो, इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे वह आसान तरीके जिनसे आप ब्रह्मांड से बातें कर सकते हैं और हर वह चीज़ मांग सकते हैं जिनकी आप इच्छा रखते हैं। इन तरीकों को एक तरफ से आप ब्रह्मांड का फ़ोन नंबर कह सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं उस फ़ोन नंबर को जानने के लिए नंबर 1 ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध विकसित करें? मित्रों, अगर आपने लॉ ऑन ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कभी नहीं किया या आप नहीं जानते कि ब्रह्मांड किस तरह से काम करता है, तो आपको ब्रह्मांड के साथ इसी समय एक ऐसा संबंध स्थापित करने की ज़रूरत है जिससे आप यह जान पाए कि हमारा यूनिवर्स कैसे काम करता है। हमारा ब्रह्मांड सबसे रहस्यमय चीज़ है। आज तक कोई भी वैज्ञानिक और विज्ञान की बड़ी से बड़ी खोज इसके सभी रहस्यों को सुलझा नहीं पाई है। यह सबसे शक्तिशाली है, यह अनंत है और इसके पास सब कुछ है। इसीलिए ब्रह्मांड के साथ एक गहरा संबंध बनाने के लिए आपको सबसे पहले इसकी असीम शक्ति के ऊपर भरोसा करना होगा और पूरे धैर्य से इसके चमत्कार का इंतजार करना होगा। आप ब्रह्मांड की शक्तियों का आवाहन किसी भी चिन्ह के रूप में पा सकते हैं। सरल भाषा में कहे तो ब्रह्मांड आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको किसी भी रूप में दे सकता है। आकाश में एक पंछी के उड़ान से भी आपको संकेत दे सकता है, या फिर अचानक एक ऐसे फोन कॉल के रूप में जिसकी आपने आशा नहीं की थी। इसीलिए आपको पूरी दृढ़ता से अपने मन मस्तिष्क में पूरी तरह से शांति रखनी होगी और ब्रह्मांड की शक्तियों में अपनी आस्था और विश्वास रखना होगा। नंबर 2, अपना लक्ष्य निर्धारित करें। दूसरा कदम यह समझने से संबंधित है कि आप ब्रह्मांड से आखिर पूछना क्या चाहते हैं या उससे क्या आशा रखते और क्या मांगना चाहते हैं। पर यह नहीं कहा जा सकता कि आप उन्हें बिल्कुल उसी तरह पाएंगे या नहीं जैसा आपने मांगा है, क्योंकि अगर आपने अपने दिल में किसी के प्रति नफरत और नकारात्मकता लेकर ब्रह्मांड से जुड़ने का प्रयास करेंगे तो आपकी प्रार्थना असफल हो सकती है। इसलिए पूरे दिल से, पूरी सद्भावना से ब्रह्मांड को महसूस करें और अपने मन में किसी प्रकार का द्वेष ना रखें। अपने अच्छे इरादों को ब्रह्मांड तक पहुंचाने का प्रयास करें और अपने दिल की आवाज़ सुने तथा महसूस करें कि वास्तव में उसकी क्या इच्छा है। अपनी आँखें बंद करें और अपना पूरा ध्यान अपने दिल पर और अपनी सांसों पर केंद्रित करें और सांस लें। बस एक बार ब्रह्मांड के प्रति अपना संबंध स्थापित करने के संदर्भ में आपके इरादे मजबूत हो गए और आप उनके प्रति सचेत हो गए, तो ब्रह्मांड की अनंत शक्तियां आसानी से आपके शरीर और आपके जीवन में आने का प्रयास करने लग जाएंगे। नंबर 3, कल्पना करें। अपने दिल में सच्चे इरादे लेकर जैसे अपनी आंखें बंद करें और ब्रह्मांड की शक्तियों को देखना शुरू करें। यह महसूस करें कि आप उन शक्तियों का अनुभव कर रहे हैं। आपने ब्रह्मांड से जो भी मांगा है उसकी कल्पना करें कि वह आपको मिल चुका है, और अपनी 5 इंद्रियों से अपने सभी सेंस का इस्तेमाल करें और उसे महसूस करें। उस वस्तु को महसूस करें जिसे आपने मांगा है। अगर आपने किसी परिस्थिति की कल्पना की है तो उस परिस्थिति को साकार होता महसूस करें। उसे अपनी 5 इंद्रियों से महसूस करें।
अपनी भावनाओं के प्रति अपना पूरा ध्यान केंद्रित करने में ही इस शक्ति का रहस्य छुपा हुआ है। अपनी प्रार्थना को अनुभव कीजिए। अपनी प्रार्थना के प्रति आप जितनी अधिक भावनाएं जोड़ पाएंगे, महसूस कर पाएंगे और उन्हें अनुभव कर पाएंगे, आपकी प्रार्थना उतनी ही शक्तिशाली होगी। नंबर 4, ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करें। जब आप स्वयं को अपनी संपूर्ण सकारात्मक भावनाओं के साथ अनंत शांति और संवेदनशीलता में समायोजित कर लें, तो यह ब्रह्मांड से संवाद करने और उससे कुछ भी मांगने का सबसे सही समय होता है। शुरुआत एक धन्यवाद को व्यक्त करने से करें, क्योंकि यह ब्रह्मांड में आपकी अनुभूति भेजता है कि आपके द्वारा भेजी गई प्रार्थना ब्रह्मांड ने स्वीकार कर ली है, जिससे आपकी कृतज्ञता आपके हृदय को ब्रह्मांड में अर्पित कर देती है। अपनी आंखें बंद करें और अपने आप को उन वस्तुओं या परिस्थितियों के इर्द गिर्द खोजने का प्रयास करें जिन्हें आपने मांगा है। पूरी तरह से खुश और कृतज्ञ महसूस करें। नंबर 5, मुक्त करें, अर्थात एक बार उन सभी बातों को स्वीकार कर प्रयोग करने के बाद स्वयं पर से अपना पूरा कंट्रोल छोड़ दें। जब आप स्वयं में उन शक्तियों का अनुभव करेंगे जो ब्रह्मांड आपको देगा, तो आपको इस विषय में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वह यह शक्ति आपको कैसे देगा, क्योंकि यह रहस्य केवल और केवल ब्रह्मांड को ही पता है। इस शक्ति का यह अर्थ नहीं है कि आज से आप 24 घंटे बैठकर इसी तरह ब्रह्मांड से बातें करें। आपकी प्रार्थना एक साधारण सी वस्तु नहीं है जो ब्रह्मांड आपको किसी एक्सप्रेस कूरियर की तरह डिलीवर करेगा, लेकिन अब आपको अपना जीवन और अधिक सकारात्मकता और चेतना से जीना होगा, तभी आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको किसी भी रूप में मिल सकता है। इसीलिए अपने आसपास हमेशा सजगता बनाए रखें और वहां होने वाले इत्तफाक के बारे में जागरूक रहें। अपने वातावरण में होने वाली हर घटना, हर बदलाव की जानकारी रखें और ब्रह्मांड के सिग्नल को समझने की कोशिश करें और उसी के अनुसार काम करें। नंबर 6, ब्रह्मांड पर पूरा भरोसा रखें। आपने जो भी मांगा है वह आपको मिलेगा, लेकिन उस सही समय पर जो आपके लिए सही होगा। आपको विश्वास करना होगा कि आपने जो प्रार्थना भेजी है, आपने जो विश भेजी है, यह आपके पास वापस आएगी। लेकिन उचित समय पर एक बार आपकी प्रार्थना को जमा कर देने के बाद, अब आपको उसके साकार होने की प्रक्रिया में विश्वास करना होगा। हर दिन अपने दिल में उस प्रार्थना के प्रति एक भावनात्मक संवेदना रखनी होगी। ब्रह्मांड से बात करने के लिए और अपनी इच्छाओं को अपने जीवन में प्रकट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने उद्देश्य के प्रति स्पष्ट सोच रखनी होगी। ब्रह्मांड को मिले जुले सिग्नल ना दें। पूरे धैर्य से अपनी सांसों पर और अपने मन पर ध्यान केंद्रित करें और उस चीज पर जो आप ब्रह्मांड से चाहते हैं उसके प्रति हृदय में प्यार रखें। अपना दिल साफ रखें। अब जो चीज आपने ब्रह्मांड से मांगी है उसको अपनी पूरी भावना से महसूस करें। ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करें। ब्रह्मांड तक अपनी प्रार्थना पहुंचाने के बाद उसे आपके जीवन में साकार होने का इंतजार करें। अपने वातावरण में हो रहे हर बदलाव को महसूस करें और ब्रह्मांड के उत्तर को समझने की कोशिश करें। हमेशा ग्रहणशील बने रहें। वह आप ही हैं जो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आप अपने मस्तिष्क में जो कल्पना कर सकते हैं, एक दिन आप उन्हें जी सकते हैं। ब्रह्मांड आपकी बात सुनने के लिए हमेशा तैयार है। आपको आवश्यकता है तो केवल उस थोड़े से समय की जिसमें आप ब्रह्मांड से बात कर सकते हैं। यह आपको आध्यात्मिक रूप से ब्रह्मांड की अनंत शक्ति और रहस्यों से जोड़ देगा। आप स्वयं को एक ऐसी दुनिया में पाएंगे जहां आपके चारों तरफ केवल सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति होगी। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको ब्रह्मांड से जोड़ने में सहायक होगा। आप पूरे दिल से ब्रह्मांड तक अपनी प्रार्थना पहुंचा दें और उसे स्वयं तक वापस आने का और अपने जीवन में साकार होने का इंतजार करें। समझे कि ब्रह्मांड आपसे क्या कहना चाहता है, उसमें विश्वास करें। हमेशा सकारात्मक सोचें और अपने आप में भरोसा रखें। दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।